यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार गम ग्वार सीड में देख रहे हैं कि कभी मंदी तो कभी तेजी बनती नजर आ रही है। आज भी देख रहे हैं कुछ ऐसा ही ट्रेंड फॉलो होता नजर आ रहा है। कल तो हमने ऐसा होता देखा ही देखा, आपने जैसे बताया था कि ग्वार में अंदर उठापटक जारी रहेगी, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, वही वॉलेटिलिटी हम आज भी देख रहे हैं। 11,100 के ऊपर बाजार गया तो था, लेकिन लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से तेजी रहेगी या फिर आज कीमतें गिरेंगी? देखिए, जहां तक इंटरडे का सवाल है, इंटरडे के अंदर वॉलेटिलिटी है और हमें फंडामेंटल और ये टेक्निकल को उसको दोनों को मिला दें। देखिए, जैसे मैंने आपको आपको एक अभी कुछ सेकंड पहले यही कहा कि यदि आपको लगता है कि फंडामेंटल मजबूत है, आपकी कैपेसिटी है, आप इसको रोक सकने की स्थिति रख सकते हैं, 10-12% का गिरावट या 10-12% का रिस्क ले सकते हैं, तो इसमें खरीदने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आज ही इसके अंदर मुनाफा वसूल हो जाए, आज ही हम 10 लॉट खरीद लें और 10 लॉट के अंदर 25,000 रुपए आज ही कमा लें, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी तो अभी रहेगी। तो उस समय इस तरह की वॉलेटिलिटी के अंदर जो भी ट्रेडर है, यदि वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के ग्वार सीड का फंडामेंटल मजबूत है, वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो चलती भी रहनी चाहिए। जब तक कोई बेचेगा नहीं, कोई खरीदेगा कैसे? और जब तक कोई खरीदेगा नहीं कोई, तो फिर बिकवाल माल किधर बेचेगा? लेकिन जो अच्छे व्यापारी हैं वो समझदारी से काम करते हैं, वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के अपना ट्रेड करते हैं, निचले स्तर पर खरीदते हैं, उचले स्तर पर माल बेच के निकल जाते हैं, फिर नीचे आने का इंतजार करते हैं, फिर माल खरीदते हैं, फिर ऊंचे स्तर पर माल बेच देते हैं। ये प्रक्रिया आप अपनाओगे तो जीतोगे, और वॉलेटिलिटी के अंदर कभी तेज और कभी मंदे से परेशान होंगे तो आपको परेशानियां बढ़ेंगी। जी अखिलेश जी, जी अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।